ऑर्गेनिक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ एप्पल साइडर विनेगर के बारे में। सेब का जो सिरका होता है आजकल बहुत ज़्यादा लोग इसे यूज़ कर रहे हैं और बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास भी आ रही हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, तो उसके बारे में वीडियो बनाई जाए। तो मैं आज आपको एप्पल साइडर विनेगर के बेनिफिट्स बताऊँगा, क्या फ़र्क होता है फिल्टर्ड और रो एप्पल साइडर विनेगर में विद मदर के साथ में जो आता है उसमें, तो उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले हम इसके कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं कि एप्पल साइडर विनेगर के बेनिफिट्स हमारे लिए क्या क्या होते हैं और किस तरीके से इसे हम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या है कि जो एप्पल साइडर विनेगर होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है। तो अगर हम खाना खाने से आधा घंटा पहले एक टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर हल्के एक कप ल्यूकोम वाटर में ले लेते हैं तो हमारी गैस से संबंधित प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें हमें काफ़ी आराम इससे मिलता है। उसके बाद में अगर डायरिया की प्रॉब्लम किसी को होती है तो डायरिया की प्रॉब्लम में ये बहुत अच्छा काम करता है। इसकी जो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डायरिया को क्योर करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होती हैं। वेट लॉस जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा जो है एप्पल साइडर विनेगर का रिजल्ट होता है। लेने का तरीका उनके लिए भी यही होता है, सुबह हम जो है एक से दो टेबल स्पून इसे खाली पेट ले सकते हैं ल्यूकोम वाटर में, या फिर हम खाना खाने से आधा घंटा पहले एक टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर एक कप गुनगुने पानी के साथ में ले सकते हैं, तो वेट लूज करने में भी जो है काफ़ी मदद ये करता है। इसके बाद में जिन्हें डैंड्रफ की प्रॉब्लम रहती है दोस्तों, तो आप इसे अपने हेयर पे स्काल्प पे भी अप्लाई कर सकते हैं। डैंड्रफ में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, जो आपके स्काल्प का पीएच होता है उसे बैलेंस करने में मदद करता है। यूज़ कैसे करना है, आपको बराबर मात्रा में एप्पल साइडर विनेगर और वाटर का सॉल्यूशन बना के किसी स्प्रे बोतल में ले लेना है और उसे अपने बालों पे और आपके स्काल्प पे स्प्रे करके छोड़ देना है। आधे घंटे बाद आपको अपने बालों को वॉश कर देना है तो आपके बाल काफ़ी शाइनी भी इससे जो है दिखेंगे और डैंड्रफ भी ख़त्म करने में मदद करेगा अगर हफ्ते में दो बार आप इस तरीके से बालों को अपने ट्रीट कर रहे हो। स्किन टोनर का भी काम करता है, आप इसे फेस पे स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो उसमें भी आपको ये यूज़ करना है कि आपको बराबर मात्रा में जैसे एक ढक्कन एप्पल साइडर विनेगर लिया है, एक ढक्कन उसमें पानी मिला है और कॉटन से आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो। 10 से 15 मिनट के बाद फेस वॉश कर सकते हो तो ये स्किन टोनर का काम भी करता है। जिनको डायबिटीज़ है उसमें जो है ये आपकी बॉडी के शुगर लेवल को भी मेनटेन करता है, तो आप इसे जो जिनको डायबिटीज़ है वो रात को सोने से पहले एक से दो टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर एक कप गुनगुने पानी में डाल के पी के सो सकते हैं, तो बॉडी के शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके बाद में जो इसका जो एसिडिक एसिड जो इसका नेचर होता है वो एसिडिक होता है, तो ये हमारी जो आर्टरीज़ में क्या होता है आर्टरीज़ का जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसे भी ख़त्म करता है। आर्टरीज़ में जो बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है उसे भी जो है रिमूव करने में मदद करता है। तो एप्पल साइडर विनेगर हमारे जो ब्लड प्रेशर को भी जो है मेंटेन रखता है, ब्लड प्रेशर जिनका हाई लो रहता है उसे भी मेंटेन रखता है, बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। सुबह अगर हम खाली पेट एप्पल साइडर विनेगर ले रहे हैं तो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को जो रिमूव करता है बॉडी को डिटॉक्स करने का भी एक काम करता है। दूसरी चीज़ अगर हम जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान रहती है तो वो भी एप्पल साइडर विनेगर का यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो पोटेशियम और जो इसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी में जो लैक्टिक एसिड होता है जिस जो थकान को पैदा करता है उसे ख़त्म करता है, तो बॉडी को एनर्जी भी ये देता है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि एप्पल साइडर विनेगर अगर हम ले रहे हैं तो हमें किस तरीके का एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करना चाहिए। सबसे पहली प्रेफरेंस रहती है कि एप्पल साइडर विनेगर जो आप यूज़ कर रहे हो वो ऑर्गेनिक हो, रो हो, अनफिल्टर्ड हो। जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, मेरा हाथ में ये एक ऑर्गेनिक इंडिया का एप्पल साइडर विनेगर की बोतल है, इसमें अगर आप एक चीज़ देखेंगे ये अनफिल्टर्ड है। अभी मैंने किया है तो इसमें नीचे जो है मदर नेचर जो होता है वो इसमें जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं गुड बैक्टीरिया जो इसमें से रिमूव नहीं किए जाते, आप देख रहे हैं। तो ये इस तरीके से इसमें जो है ये अनफिल्टर्ड है, इस पर आप पढ़ेंगे तो लिखा मिलेगा रो अनफिल्टर्ड विद मदर एप्पल साइडर विनेगर। और इसमें जैसे शायद इस वाली बोतल में आपको ज़्यादा क्लियरली ये चीज़ दिखेगी, ये देख रहे हैं आप, ये नीचे जो इसमें ये होता है ये अनफिल्टर्ड होता है। इसमें क्या है कि ये कोई भी जो बैक्टीरिया होता है इसलिए ये गुड बैक्टीरियाज होते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये देखिए जैसे यहाँ पे ये आना स्टार्ट हो गया है, तो ये होता है जो मदर नेचर के साथ में अनफिल्टर्ड रो एप्पल साइडर विनेगर होता है। तो दोस्तों ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर के लिए आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आपके नज़दीक के ऑर्गेनिक स्टोर से भी आप ले सकते हैं। तो आप ऑर्गेनिक ही यूज़ कीजिए तो आपको शायद ज़्यादा बेटर रिजल्ट इसमें मिलेगा अगर आप ऑर्गेनिक रो अनफिल्टर्ड यूज़ करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इस तरह की और भी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए आपको नीचे रेड बटन दिख रहा है तो आप उसे प्रेस करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते हैं।
तो दोस्तों हमारे चैनल पर आकर हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।